फ्रेंड्स सोशल मीडिया तो आज की डेट में हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर वगैरह हो। लेकिन पिछले महीने कुछ दिन पहले हमें जो है एक नई एप्लीकेशन देखने को मिली है इंस्टाग्राम की तरफ से, IGTV के नाम से, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसी IGTV के बारे में कि ये क्या एक नया ट्रेंड है, किस नए ट्रेंड के साथ मार्केट के अंदर आया और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन जो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के IGTV के बारे में और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे YouTube और Instagram के एक छोटे से कंपैरिजन के बारे में। तो अगर आप लोग ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक देखना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FTW हियर एंड यू आर वाचिंग YouTube टिप्स वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग YouTube टिप्स वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं IGTV के बारे में कि ये क्या चीज़ है और क्या नया ट्रेंड लेकर मार्केट के अंदर आई है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली IGTV एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इंस्टाग्राम कंपनी की तरफ से आई, यानी कि पहले से जो आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं ये उसी कंपनी का एक और अलग एप्लीकेशन है। आप लोग इसको मेन इंस्टाग्राम के अंदर भी देख सकते हैं या फिर अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो आप लोग अलग प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करके भी एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के तौर पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली इसका मेन जो काम है वो ये है कि ये आप लोग इसके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब पहले अगर आप लोग इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो उसके ऊपर आप लोग 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो जो अपलोड कर सकते थे, उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते थे। लेकिन अब ये एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ने बना दिया है जिसके ऊपर आप लोग 1 घंटे तक की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट से अब टाइम बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया गया है। तो ये एक पहली जो इसका मेन फीचर है, पहली बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को एक लंबा वीडियो टाइमिंग जो है देखने को मिल जाता है। आप लोग लंबी लंबी वीडियोज जो इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि आप लोग इसके ऊपर अब बड़ी 1 घंटे तक की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक वर्टिकल एप्लीकेशन है जिसको आप लोग अपने खास तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग इसको आईफोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग इसको एंड्रॉयड किसी भी फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मोबाइल को वर्टिकल साइकिल के अंदर रखना पड़ेगा। अब ये एप्लीकेशन इस साइकोलॉजी के तहत मार्केट के अंदर लाई गई है कि आप लोग दिन भर जब भी अपना स्मार्टफोन जब इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सीधा रखते हैं, यानी कि वर्टिकल साइकिल के अंदर। अब अगर आप लोग वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, यानी कि आप लोग यूट्यूब पर जाते हैं या फिर फेसबुक पर जाते हैं, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर, यानी कि इस तरह पकड़कर वीडियोस देखनी पड़ती थी। तो इंस्टाग्राम ने ये नया एप्लीकेशन मुतारफ कराकर वो वाला जो लैंडस्केप वाला ट्रेंड है वो उसको चेंज करके वर्टिकल कर दिया, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो है मोबाइल फोन के ऊपर इसे वर्टिकल शक्ल के अंदर इसके स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम की तरफ जो एप्लीकेशन आई IGTV के नाम से, इसके अंदर जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर सकते हैं वो सारी वर्टिकल शक्ल के अंदर होगी, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। तो इसका दूसरा जो मेन पार्ट है वो यही है कि आप लोग यहां पर सीधी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि वर्टिकल स्टाइल के अंदर वीडियोज़ वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था IGTV का, ये क्या चीज़ है, किस तरह काम करता है। तो बेसिकली जो मेन चीज़ें आप लोगों ने दो ही याद रखनी है कि ये मोबाइल फ़ोन के लिए खास तौर पर बिल्ड किया गया है, मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होकर आप लोग इसके अंदर वर्टिकल शक्ल के अंदर, यानी कि मोबाइल फ़ोन को वर्टिकल रखकर इसको आप लोग वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। और दूसरा ये डायरेक्टली इंस्टाग्राम की तरफ से आप लोगों को किसी किस्म का स्कैम नहीं मिलेगा, रिस्क फ्री एप्लीकेशन है। आप लोगों का डाटा, जैसा कि होता है एक बार दफ़ा कोई स्कैम एप्लीकेशन वगैरह आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, साथ में मेलवेयर या फिर वायरस वगैरह आ जाता है, तो वो आप लोगों को वो परेशानी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जेन्युइन एक कंपनी की तरफ से ये IGTV यानी कि इंस्टाग्राम टीवी को लॉन्च किया गया है। तो ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये IGTV इंस्टाग्राम की तरफ से आप लोग इसके अंदर आप वीडियो देख सकते हैं। 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का जो टाइम लिमिट था उसको ख़त्म करके अब आप लोग इसके अंदर 1 घंटे तक की वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं YouTube और IGTV के कंपैरिजन के बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन दोनों के ऊपर एक्टिव यूज़र कितने हैं। तो अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम के 1 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र हैं, जबकि यूट्यूब के 1.8 बिलियन से ज़्यादा जो हैं वो एक्टिव यूज़र मौजूद हैं। तो पहले नंबर पर YouTube के पास बहुत बड़ा नंबर है जो कि फ़िलहाल Instagram का IGTV उसको कम्पीट नहीं कर सकता। एक तरफ 1 मिलियन और एक तरफ आप लोगों को 1.8 बिलियन एक्टिव यूज़र मंथली आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इतने बड़े नंबर को कवर करने के लिए जाहिर सी बात है Instagram को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कि एक तरफ 1.8 बिलियन यूज़र एक्टिव यूज़र मंथली मौजूद है और दूसरी तरफ आप लोगों के पास 1 बिलियन नंबर जो मौजूद है। अब गो के ये 1 बिलियन भी कोई कम यूज़र नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर है जो कि Instagram के ऊपर भी
एक्टिव यूज़र है मंथली, लेकिन यूट्यूब के मुकाबले अभी ये काफ़ी कम है और इसको जो है पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पहला जो कंपैरिजन के अंदर वो यही है कि यहाँ पर एक्टिव यूज़र का एक बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है जिसके अंदर यूट्यूब को एक एडवांटेज हासिल है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसके सर्च बार के बारे में, यानी कि इसके अंदर सर्च वीडियो वगैरह सर्च करने के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के अंदर आप लोग दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक हो, वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, वो तालीम के रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, वो इंटरटेनमेंट हो, वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी किसी भी किस्म का दुनिया का कोई भी टॉपिक अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो बस आप लोग यूट्यूब के सर्च बार के अंदर वो टॉपिक लिखिए, आप लोगों को उसके बारे में हज़ारों सैकड़ों किस्म की वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। आप लोग उसको हाई क्वालिटी के अंदर, लो क्वालिटी के अंदर, हर किस्म की उसके अंदर आप लोगों के पास चॉइस मौजूद है, आप लोग उसको वीडियोज वगैरह को देख सकते हैं। और हर किस्म का चैनल दुनिया के अंदर जितने भी चैनल लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को तकरीबन ज़्यादातर चैनल की वीडियो वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम के IGTV को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं बस आप लोग उन लोगों की वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इंस्टाग्राम के IGTV को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वर्टिकल शक्ल के अंदर वो टीवी मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप लोग वहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियोस वगैरह मिलेंगी जो कि आप लोगों को रिकमेंडेड की हुई हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने आप लोगों को रिकमेंडेड किया आप लोग ये वीडियो देख लें। तो सबसे पहली ऑप्शन आप लोगों को वो मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जिन लोगों को फॉलो किया हो इंस्टाग्राम के अकाउंट से, उन लोगों ने अगर कोई वीडियोज़ वगैरह IGTV के ऊपर अपलोड की हैं तो उन वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए वीडियोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पर आप लोगों को पॉपुलर की टाइप मिल जाएगी, यानी कि वो वीडियो जो उस वक्त जब आप लोग IGTV इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त जो वीडियोज IGTV के ऊपर यानी कि इंस्टाग्राम TV के ऊपर ज़्यादा पॉपुलर होंगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और चौथे नंबर पर आप लोगों को एक टाइप मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोगों ने अगर पहले से कोई वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, आप लोगों ने दरमियान के अंदर उसको छोड़ दिया, आप लोग उठ के कई काम चले गए और फिर दोबारा आप लोग वापस आए हैं तो आप लोग वही वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो आप लोग वो चौथे नंबर वाली टैब खोल कर उसके अंदर आप लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ये चार मेन टैब्स हैं IGTV के अंदर जिसके अंदर आप लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। इसके अंदर एक सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है लेकिन उस सर्च के ऑप्शन के अंदर आप लोग एक डायरेक्टली किसी टॉपिक को सर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस, अभी तो मैंने कोई वीडियो वहां पर अपलोड नहीं की, उम्मीद है जब तक ये वीडियो चैनल पर आएगी मैं वहां पर भी इंट्रो वीडियो जो है IGTV के ऊपर डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लीजिए www.instagram.com/imfgw। तो सारे के सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट है हमारे इस ग्लोबल चैनल के, तो सबका लिंक जो है सेम ही है। तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर फॉलो कर लीजिए, IMFGW के नाम से हमारा जो है अकाउंट वहां पर मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे इसके सर्च ऑप्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई भी चीज़ वहां पर सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ग्लोबल के चैनल की वीडियो जो है देखना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर वीडियो का टाइटल डालकर उसको सर्च नहीं कर सकते, आप लोगों को डायरेक्ट मेरा चैनल जो है वो सर्च करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग वहां पर ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से या IMFGW लिखेंगे तब आपके सामने जो मैंने वीडियोज़ वगैरह अपलोड की होंगी IGTV के अंदर वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर देता हूँ, जैसे हम YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं Instagram IGTV वर्सेस YouTube, तो हम लोग अगर सर्च बार के अंदर YouTube की सर्च बार के अंदर वो एक छोटा सा लफ्ज़ लिख देंगे IGTV वर्सेस YouTube तो ढेरों हमें मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियोज हमें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन Instagram के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियो जो है देखना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले वहाँ पर मेरे चैनल को सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ मैंने किसी भी नाम से, चाहे मैंने YouTube के बारे में कोई वीडियो रिकॉर्ड की हो जाए, Instagram के बारे में कोई वीडियो अपलोड की हो, तो उसके बाद वो सारी वीडियोज़ आ जाएंगी तब आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग सीधा सीधा किसी टॉपिक को सर्च नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड है इंस्टाग्राम के IGTV को कि यहाँ पर सर्च जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हम लोग डायरेक्टली कोई भी वीडियो जो सर्च नहीं कर सकते, हम वहाँ पर क्रिएटर्स को सर्च कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लोग दुनिया के जितने भी चैनल हैं इंस्टाग्राम पर जो अभी तक बन चुके हैं, जैसा कि मैंने अपना चैनल अभी बना लिया है, तो आप लोग डायरेक्टली उन चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। आप लोग चैनल से वीडियोज़ का टाइटल जो है डालकर उसको सर्च नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई चैनल सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्टाग्राम का खुद का सर्च करते हैं चैनल, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम सर्च करना पड़ेगा, YouTube सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ग्लोबल वर्ल्ड या फिर IMFGW जो है वो सर्च करना पड़ेगा। आप लोग अगर सुपर सैफ या फिर आप लोग अनबॉक्स थेरेपी वगैरह, तो जो भी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम के IGTV के ऊपर मौजूद है आप लोगों को डायरेक्ट उनके चैनल का नाम लिखकर उनको सर्च करना पड़ेगा, ना कि आप लोग डायरेक्टली उनकी वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएटर्स को सर्च करने का और बाद में उनकी वीडियोज़ वगैरह देखने का। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हम बात करना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मोनेटाइजेशन। अब अगर आप लोग
YouTube के साथ Instagram को कंपेयर करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठता है इस टॉपिक के अंदर के मोनेटाइजेशन का क्या होगा, यानी क्रिएटर्स जो वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं वो किस तरह अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं और बाद में वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए Instagram के ऊपर कोई भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं है अभी तक। आप लोग बेशक जितने मर्जी बड़े क्रिएटर हैं, बेशक जितनी मर्जी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है Instagram के ऊपर, आप लोग वहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आ जाएगा। हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ जब आ रही हैं कि IGTV के ऊपर ही मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक मोनेटाइजेशन का कोई भी सीन नहीं है IGTV के ऊपर। तो YouTube जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों किस्म के जो हैं वो क्रिएटर्स मौजूद हैं, वो अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और बाद में वहाँ से अर्निंग भी करते हैं, और आप लोगों को एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी क्रिएटर्स की जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन Instagram के और अभी तक मोनेटाइजेशन का कोई भी सीन नहीं है, इसलिए ये YouTube से काफ़ी नीचे आता है। तो अगर आप लोग कहीं से ये बात सुनते हैं कि YouTube को छोड़िए, Instagram के ऊपर अपना अकाउंट बनाइए, मोनेटाइजेशन एनेबल कीजिए, YouTube से ज़्यादा अर्निंग कीजिए, या फिर डिफरेंट किस्म की आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट के ऊपर YouTube के ऊपर देखने को मिल जाएंगे कि YouTube अब काम से गया, YouTube से बड़ा एक चैनल, YouTube से बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है तो हम उसके ऊपर अपनी वीडियोज़ वगैरह डालेंगे, YouTube फारिग हो गया, तो वो सारी की सारी बातें फ़िलहाल के लिए वो झूठ हैं, क्योंकि अभी ना तो ये प्लेटफॉर्म IGTV YouTube से ज़्यादा बड़ी मंथली एक्टिव यूज़र जो है लेके बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पर आप लोगों को मोनेटाइजेशन मिलेगी, बल्कि एक बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म है, इसको अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल मोनेटाइजेशन नहीं है इसके ऊपर, और साथ ही लैंडस्केप मोड इसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलता। तो जैसा कि चौथे नंबर पर मैं यही आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं कि आजकल जो ट्रेंड बन रहा है वो ये है कि वाइड एंगल, जितना ज़्यादा वाइड एंगल तस्वीर होगी उतना उसके अंदर हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकेंगे और उतना अच्छा वो जो है हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन Instagram के IGTV के अंदर हमें क्या मिलेगा? वर्टिकल स्क्रीन। अब वर्टिकल स्क्रीन के अंदर अगर आप लोग इस चीज़ का रिव्यू करते हैं तो वो इतना ही हमें नज़र आएगा जितनी वो स्क्रीन चौड़ी होती है, तो वो इतना नज़र आने का इतना ज़्यादा हमें मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने का जितना हमें यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा TV, एक हमें बड़ी स्क्रीन और वाइड एंगल हम इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LG के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर जो ड्यूल कैमरा सेटअप होता है तो एक तो मेन लेंस होता है, दूसरा वाइड एंगल लेंस होता है। आप लोगों को LG जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर 125 डिग्री तक का वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है। तो जहाँ पर दुनिया वाइड एंगल की तरफ जा रही है वहाँ पर Instagram जो है वर्टिकल आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो तरीका है, ये जो चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो सके आवाम के अंदर कि उसको वर्टिकल शक्ल के अंदर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करके जो लोग अपलोड कर रहे हैं और जो यूज़र हैं, जो लोग YouTube की वीडियोस देखना चाहते हैं, जो लोग रिव्यू देखना चाहते हैं, जो लोग लोगों के चैनल की वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, वो ये नहीं पसंद करेंगे कि वो एक वर्टिकल चैनल को, एक बड़ी स्क्रीन को, एक बड़ी वीडियो को छोड़कर एक वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर रिव्यूज़ देखें, तो इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आएगी और इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो यही वो चीज़ है जो कि फ़िलहाल YouTube को Instagram के IGTV से ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। पाँचवीं चीज़ ये है कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब से हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को, या फिर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, जब से हम लोग मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको इसे लैंडस्केप मोड के अंदर देखते हैं। आप लोग यूट्यूब देख लीजिए, आप लोग कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप लोग कोई भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वो हमेशा आप लोग इस तरह देखते हैं। और इवन के अगर आप लोग स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही आप लोग यूट्यूब ओपन करेंगे आप लोग फ़ौरन उसका ऑटो रोटेट मोड ऑन करके आप लोग उसको लैंडस्केप मोड के अंदर करेंगे। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं कि हम लोग लैंडस्केप मोड के अंदर वीडियो देखें, चाहे हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग वीडियो देखेंगे दिन के अंदर बेशक हम 100 बार वीडियो देखें तो हम उसको मोबाइल को ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको वर्टिकल शक्ल के अंदर ही देख पकड़ कर देखते रहेंगे। तो अभी पता नहीं कि Instagram ने अपना जो IGTV है वर्टिकल शक्ल के अंदर क्यों लॉन्च किया, इसको हॉरिजेंटल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। अब Instagram की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी आई थिंक वो ये थी कि ज़्यादा टाइम जो है हम लोग मोबाइल फ़ोन को सीधा वर्टिकल यूज़ करते हैं तो इसलिए हम एक वर्टिकल TV जो आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वीडियो वगैरह देखते वक्त ऐसे मोबाइल फ़ोन को यानी कि हॉरिजेंटल ना करना पड़े। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी, हम लोग सीधी वीडियो देख लेंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को जो है वाइड एंगल स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ वगैरह देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग ज़्यादा आसानी के साथ सारा कंटेंट जो वीडियो के अंदर होता है देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो मैं भी जो है वो लैंडस्केप मोड के अंदर वीडियोज़ वगैरह देखने को प्रेफर करूँगा। तो ज़्यादातर लोग जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, जो लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वो उसको स्क्रीन को बड़ी करके जो भी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट होता है उसको अच्छे से इन्जॉय करते हैं और उसके अंदर जो भी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं उसको पिक कर लेते हैं। वाइड एंगल स्क्रीन के ऊपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देखते हैं यूट्यूब की वीडियो तो उसको
जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड के अंदर देखते हैं। तो अभी इंस्टाग्राम ने इसलिए ये मुतारफ कराया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल स्पेंड करते हैं, तो हम इसको जो है वर्टिकल सेल के अंदर रखेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर आगे जाकर हमें कोई हॉरिजॉन्टल मोड मिलता है या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल तो इंस्टाग्राम के IGTV के ऊपर यही चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है कि IGTV के ऊपर हमें बहुत ही कम कंटेंट देखने को मिलता है। अभी तो ये 15-20 दिन हुए मेरे ख्याल में, पिछले महीने की 20 तारीख को ये जो IGTV है लॉन्च किया गया था, तो अभी तो इसको एक महीना भी नहीं हुआ, मुश्किल से 10-15 दिन इसको हुए हैं, तो यहाँ पर एक लिमिटेड सी वीडियो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं YouTube की, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में और एक एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहली चॉइस जो यूज़र की है वो YouTube ही है, और दूसरे नंबर पर गूगल के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो वेबसाइट है वो यूट्यूब ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी जो है वो IGTV YouTube को इस मामले के अंदर बीट कर सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पसंद भी करता है कि मैं वर्टिकल जो है वो वीडियो देखूंगा अपना, फॉर एग्जांपल हम लोग लगा लेते हैं कि नेक्स्ट जो नोट 9 आ रहा है, अब जो लोग नोट 9 का रिव्यू इसके ऊपर पोस्ट करेंगे IGTV के ऊपर, और कुछ लोग इसको ज़्यादातर लोग इसको यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करेंगे, तो मेन प्रेफर लोगों का यही होगा कि यूट्यूब के ऊपर जाकर देखें, बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखें, लैंडस्केप मोड के अंदर देखें, तो वो ज़्यादा उसको इंजॉय कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से उसका कंटेंट जो है वो देख सकेंगे। अगर कुछ लोग इसके ऊपर जो है IGTV के ऊपर भी वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, तो जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी मूवी आती है तो पहले उसका ट्रेलर आता है, तो इसी तरह लोग जो इंस्टाग्राम को, जो क्रिएटर्स लोग हैं इंस्टाग्राम को इसी तरह यूज़ करते हैं कि जो भी उनकी मेन वीडियो होती है यूट्यूब के ऊपर होती है, और साथ में जो उनका ट्रेलर होता है एक इंट्रोडक्शन वीडियो होती है उस वीडियो के बारे में, वो इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको एज अ ट्रेलर की तरह IGTV को यूज़ करेंगे, कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह को दिखाने के लिए। तो मवाद अभी इतना नहीं है IGTV के ऊपर जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो सके। फ्यूचर के अंदर अगर ज़्यादा ये वर्टिकल स्क्रीन वाला स्टाइल जो है पॉपुलर हो गया, तो इसके अंदर ज़्यादा वीडियोज़ भी आ सकेंगी। हो सकता है इंस्टाग्राम इसके ऊपर एक एक सिंगल टॉपिक को सर्च करने के लिए सर्च बार भी बना दे। तो अभी फ्यूचर के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही चल रहा है कि यहाँ पर यानी कि IGTV के ऊपर आप लोगों को लिमिटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, और आप लोग डायरेक्टली क्रिएटर का चैनल सर्च करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह आप लोग उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। अगर आप लोगों को सवाल या फिर कोई मशवरा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर जाकर पीछे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट में फीडबैक दे सकते हैं, सुना इस पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।